डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज यूपी के 38 जिलों में शुरू हो गया है। शुरुआत जरूर धीमी रही, लेकिन जैसे जैसे समय निकला मतदान में गति आ गई। मेरठ में सभी प्रत्याशी घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच गए। सभी की कोशिश है कि उनके पक्ष में अधिक से अधिक लोग घरों से निकलकर मतदान करें। मतदान शांतिपूर्वक निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, इसके लिए पुलिस व प्रशासनिक अफसर भी बराबर नजर बनाए हुए हैं। मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा व SSP रोहित साजवान भी शहर के भ्रमण पर हैं। वहीं भाजपा महापौर प्रत्याशी हरिकांत अहलुवालिया, भाजपा कैंट विधायक अमित अग्रवाल, MLC धर्मेंद्र भारद्वाज आदि अपना वोट डाल चुके हैं। विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने के बाद अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे भाजपा प्रत्याशी हरिकांत अहलुवालिया ने मीडिया से कहा कि उनकी व भाजपा पार्षद प्रत्याशियों की जीत 100% तय है। वहीं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने वोट डालने के बाद कहा कि उनका प्रत्याशी हरिकांत अहलुवालिया हर नजर से बाकी प्रत्याशियों से बेहतर है। खास बात यह भी है कि कुछ मुस्लिम इलाकों में AIMIM ओवैसी की पार्टी की तरफ भी मतदाताओं का रुझान नजर आया है। मतदान करने के बाद भाजपा महापौर प्रत्याशी हरिकांत अहलुवालिया ने यह कहा। देखिए, आज सुबह से पोलिंग बूथों पर देखने वाली भीड़ दिखाई दे रही है। महानगर की जनता में देखने वाला एक उत्साह दिखाई दे रहा है, और सभी महानगर के जितने निवासी हैं, महानगर में मातृशक्ति हैं, हमारे युवा साथी हैं, इन सभी को भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर बहुत विश्वास है। परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए विकास कार्य, परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए विकास कार्य जनता ने देखे हैं, और जनता को पूरा विश्वास है अगर तीसरी स्थानीय सरकार भी मेरठ महानगर में बनेगी तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार होगी और इसमें देखने वाला डेवलपमेंट होगा। अगर आप मेयर बनते हैं तो दो मुख्य गाड़ी देखिए, अगर का लफ्ज़ तो बीच में है ही नहीं, सीधा भारतीय जनता पार्टी महापौर और पार्षदों का चुनाव जीतने जा रही है। लगभग 125,000 वोटों से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, जो महानगर की जनता का रुख दिखाई दे रहा है। और जहां तक डेवलपमेंट की बात है, सिर्फ दो काम से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले मेरठ महानगर का ड्रेनेज सिस्टम, यहां की सड़कों की व्यवस्था, मामूली तौर पर थोड़े से जहां कहीं गड्ढे दिखाई देते हैं तो मामूली तौर पर है, ऐसा नहीं। प्रदेश सरकार द्वारा बहुत काम किए गए हैं, और स्मार्ट पार्कों की व्यवस्था होगी, कूड़ा निस्तारण प्लांट की व्यवस्था होगी। पिछले बार यहां भाजपा का महापौर ना होने की वजह से बहुत कार्य रुके हुए हैं, वो हम सब पूरे करेंगे। वहीं राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मीडिया से वार्ता करते हुए ये जानकारी दी। वोट कमल के फूल के अलावा कोई मुद्दा हमारा नहीं है, कमल के फूल को वोट होगा। और वैसे भी बता दूं, दूसरे किसी कैंडिडेट पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरे कैंडिडेट की शालीनता और सौम्यता हमको जिता रहे। क्या खास रहने वाला है इस बार चुनाव में? इस बार के चुनाव में भाजपा जीतेगी, और भाजपा का नगर प्रमुख बनने के बाद ये मान के चलेगा पिछले सभी मानक टूट जाएंगे विकास। अखिलेश यादव ने बहुत पसीना बहाया है, आके रोडों पे घूमे हैं। अखिलेश यादव ने कोई पसीना न बहाया है, केवल आई वॉश किया है। वो मैं उनको आदरणीय मानता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी के, भले विपक्ष की पार्टी, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन उन्होंने किस क्षेत्र में रोड शो किया? केवल अल्पसंख्यक क्षेत्रों में? समाजवादी पार्टी ये बताए कि क्या उसे बहुसंख्यक समाज की वोटों की जरूरत नहीं है? और अगर अल्पसंख्यक वोटों की जरूरत है तो फिर अपने रोड शो का औकात देख लें कि ना तो शाहिद मंजूर बाहर आए, ना अंसारी साहब आए, रफीक अंसारी बाहर आए, ना योगेश बाहर आए, ना सुनीता वर्मा बाहर आई, तो उनके रोड शो का आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब उनके कार्यकर्ताओं पर नहीं पड़ा? मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का टेलीफोन आ जाए तो टांगे कांप जाएंगी। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर चला गया, उनके घर पर चाय पी के चला गया, वो अपने कैंडिडेट के पक्ष में नहीं निकले, इससे उन्हें अपनी औकात समझ में आ जानी चाहिए। नगर निगम के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 17 नगर निगम
और नगर पालिका परिषद पंचायतें अब की बार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में होगी, क्योंकि जनता की एक बात समझ में आ गई है, यदि विकास लेना है तो फिर केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और तीसरी स्थानीय सरकार भाजपा को देनी चाहिए, तो विकास की गति बनेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।